नरेंद्र मोदी जी भी आते आते जवान भारत की छान, जवान बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो पूरा भारत चैन की नींद सो पाता है। बहुत
जवान भारत की शान, जवान है तो देश है, ये कहना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जवान बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो हमारा पूरा भारत जो है वो चैन की नींद सो पाता है। मैं अपने जवानों को लाखों बार नमन करना चाहता हूं। हमारी उन्नी डोगरा, हमारी जो 1984 में जो जुम्मन खड़ी हुई थी, आज मैं जवानों का उनको मान सम्मान देने के लिए यहां पर पहुंचा हूं, शिव शक्ति पैलेस। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूं, हमें जवानों को मान सम्मान जो है वो देना चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए, क्यों जवान हमारे सिर का ताज हैं। और 1984 में जब ये जुम्मन खड़ी हुई थी, इसमें जाट, राजपूत, डोगरा, मरदास, ये जवान इसमें शामिल थे। इन जवानों ने देश के लिए सेवा की है। आज मैं सब जवानों को अपनी तरफ से, किसान मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट बाबा चंचल सिंह, बीजेपी की तरफ से मैं आज जवानों का मान सम्मान करना चाहता हूं। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कश्मीर में भी, कश्मीरी लीडरों को भी, भाई जवानों का कभी मान सम्मान किया है आप लोगों ने? आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हो, मुख्यमंत्री रहे हो, कभी हमारे जवानों का मान सम्मान नहीं किया, हमारे जवानों को सम्मानित नहीं किया, क्यों? वो जवान जो जो भी कैंटीन के साथ खड़े रहते हैं, जे लीडर कश्मीर के तब सोते हैं जब हमारे जवान खड़े रहते हैं, तब इनका परिवार सोता है। आज मैं अपने पूरे भारत की तरफ से, अपनी बीजेपी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जवानों को। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें जवान को, जो जवान है हमारे देश के, मैं इन जवानों को भगवान की तरह देखना चाहता हूँ। जे एक भगवान की तरह है, जब ये बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारा देश तब तरक्की करेगा जब हमारे जवान बॉर्डरों पर खड़े रहेंगे। हमारे पूरे वर्ल्ड फोर्स के जवानों को मैं लाखों बार नमन करना चाहता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जुम्मन में हर जगह पहुंचते हैं, जवानों को मिठाइयां खिलवाते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं। इसलिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए आज मैंने भी जवानों को मान सम्मान करते हुए मुझे बहुत सुख मिला है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो जवान हैं, हम इनके पांव की धूल भी नहीं। ये जवान हैं, ये देश के जवान हैं, हमारे भारत के जवान हैं, ये भारत के लिए काम करने वाले, भारत की सेवा करने वाले, भारत माता की सेवा करने वाले, ये वो जवान हैं। आज मैं बहुत गर्व करता हूँ, आज इन जवानों के चरणों में मैं पहुंचा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। सबसे पहले चंचल बाबा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आर्मी के बारे में और 19 डोगरा के बारे में जो शब्द हमें बोले, हम इस काबिल थे, हम बहुत ज्यादा उन्होंने बोला। मैं अभी बाबा जी के ही बारे में कुछ बोलूंगा। आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चा बाबा चंचल जी, पौबरादरी के वाइस प्रेसिडेंट, एसएचओ पुलिस, मैं इन सब का उन्नी डोगरा की तरफ से सुपर मेजर आर्मी कैप्टन कृष्ण लाल शर्मा, पूरे उन्नी डोगरा के भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से, जो प्रशस्त हैं या नहीं है उनकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे 39 बटालियन के स्थापना दिवस के ऊपर यहां आके शिव शक्ति पैलेस में हमें आशीर्वाद दिया और हमारा सर जो ऊंचा किया। मैं बहुत गर्व से कहता हूं
कि चंचल बाबा ने बहुत ज्यादा गुलाम मार लिए आर्मी के लिए खासकर और 19 डोगरा के लिए। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर जब भी ये सपना दिवस बनाए उसको आपको